स्वागत है आपका एनडी न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में भाजपा विधायक ने की प्रेस वार्ता। सितारगंज विधानसभा के भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा ने आज शक्ति फार्म के नगर पंचायत के प्रांगण में प्रेस वार्ता की। उनका कहना था कि शक्ति फार्म क्षेत्र के गोविंद नगर के पाड़ा गांव में 14 फरवरी की रात को अरुण बैरागी की पत्नी अलका बैरागी का शव घर के अंदर छत के फेन बॉक्स से कपड़े की रस्सी से लटका मिला था, जिसके बाद अलका के भाई प्रशांत मंडल ने ससुराल में पति सहित चार के खिलाफ नामजद कोतवाली सितारगंज में रिपोर्ट देकर कहा था कि इनके द्वारा मेरी बहन अलका बैरागी की रंजिशन हत्या करके लटका दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी अरुण बैरागी को जेल भेज दिया गया है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा अरुण बैरागी को भाजपा के पद से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा अपना नाता तोड़ चुकी है, फिर मेरे और भाजपा पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अरुण बैरागी के परिवार को बचाया जा रहा है, जबकि पुलिस द्वारा अरुण बैरागी कल 14 दिन की हिरासत में हल्द्वानी जेल भेजा जा चुका है। मैंने आज इसलिए ही प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा है कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी आज, इसमें आप सबने आकर यहाँ पर हम अपना निवेदन दिया, उसके लिए धन्यवाद। दो इशूज पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आज के दिन। आपको मालूम है आज के दिन शक्ति फार्म में 14 तारीख को हमारी बहन अलका बैरागी जो गोविंद नगर की निवासी हैं और उनका परिवार बुढ़िया गांव से है, उन्होंने आत्महत्या करी। और कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि शक्ति फार्म में कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा उस लड़की की डेथ को, उस लड़की की मृत्यु को लगातार उस पर राजनीति करी जा रही है। इसलिए मैं आज आप सब के सामने आया हूं कुछ स्पष्टीकरण देने क्षेत्र की जनता को, जो शायद उनको नहीं बताया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल मार्च और ये सब निकाल के लोगों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, वो गलत है। 14 तारीख को एक हमारी बहन अलका बैरागी ने सुसाइड करी और उसके उसी रात उसके भाई प्रशांत मंडल ने और प्रशांत बैरागी उन सब लोगों ने इन्होंने उसके ऊपर वो दिया, एक तहरीर दी पुलिस को। और 14 तारीख के बाद 15 तारीख को उसके ऊपर 302 का मुकदमा दायर होता है अरुण बैरागी और उनके परिवार के ऊपर। हमारे मंडल अध्यक्ष कार्तिक राय जी ने 16 तारीख को उसको निष्कासित कर दिया सारे पदों से पार्टी के, जब तक जाँच पेंडिंग है। उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हो जाती है और अरेस्टिंग होने के बाद उसको 14 दिन के लिए रिमांड के लिए हल्द्वानी भेज दिया जाता है। ये आप सबको मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्षेत्र की जनता को ये पता ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि 14 तारीख को जब हमारी बहन की एक किसी की बेटी की किसी की बहन की डेथ हुई और 5 दिन के अंदर अंदर जो मुख्य आरोपी जो उस तहरीर में है अरुण बैरागी, जो हमारे पार्टी का एक सदस्य भी था, जो हमारे पार्टी का पदाधिकारी भी था, 5 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, केस भी दर्ज किया और उसको अरेस्ट भी किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कल शाम को नारायण पाल जी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर जुलूस निकलवाया कि उसको न्याय दो। न्याय क्या होता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो क्षेत्र की जनता है उनको भी बताना चाहता हूँ, न्याय आप तब मांगते हो जब कहीं पे अन्याय होता है, न्याय आप तब मांगते हो जब कहीं पे अनदेखी होती है, या न्याय आप तब मांगते हो जब सरकार का हस्तक्षेप होता है, न्याय आप तब मांगते हो जब जिस आदमी के खिलाफ तहरीर दी जा रही है उसके पे एक्शन नहीं होता। यहाँ तो पुलिस ने 5 दिन के अंदर एक्शन भी कर दिया, अरेस्ट भी कर दिया, जेल भी भेज दिया। कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर नेता हैं वो अपनी सिर्फ खोई हुई राजनीतिक भूमि को ढूंढ रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक बहन की एक एक बेटी की मृत्यु के ऊपर भी शक्ति फार्म में राजनीति करी।